हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाइए और उसके बाद जो बेल आइकन आपको दिखेगा उसे भी दबाइए। उससे आपको मेरे फर्दर अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए हमें इस तरीके के चार आप आलू ले लीजिए। आप ध्यान दीजिए कि ये बहुत मोटे वाले छिलके आलू नहीं होने चाहिए। देखिए, इस तरीके से आपके छिलके निकल जाए वो आलू फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बढ़िया होते हैं। अब हम सबसे पहले इसे छील लेंगे और फिर आप उसे काट लीजिए जैसे मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू को आप पहले इस तरीके से साइड के गोल पार्ट इसको ऐसे आप काट लीजिए और फिर हम इसे फ्रेंच फ्राइज़ का कट दे देंगे। आप ऐसे स्क्वायर पीसेस निकले, इस तरीके से आप इसे काटिए। अगर आपके पास इससे और भी बड़े आलू है तो आप इससे भी बड़े आलू ले सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने सारे आलू के फ्रेंच फ्राइज का शेप में ऐसे आप काट लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंच फ्राइज़ इस तरीके से आप काट लीजिए स्क्वायर पीसेस में। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पानी गरम करने रखा है। इस पानी में आप इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। जब हमारा पानी गरम हो जाएगा तब आप इसमें एक चम्मच नमक डाल दीजिए इस तरीके से, और इस गरम पानी में हम अपने फ्रेंच फ्राइज़ को, कटे हुए फ्रेंच फ्राइज़ को डाल देंगे। और इसे बिल्कुल ज़्यादा नहीं उबालना है, बस हमारे जैसे पानी थोड़ा सा गर्म होने लगे हम इस फ्रेंच फ्राइज़ को बाहर निकाल लेंगे पानी से। देखिए फ्रेंड्स, अब ये आलू को हमें इसी स्टेज पे हमको इस पानी को बंद कर देना होगा, हमें इसको ज़्यादा उबालना नहीं। अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे और इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आलू बिल्कुल सूख के तैयार हो गया फ्राई होने के लिए। अब आप तेल जो है, आप इस तरीके से तेल ले लीजिए और इस तेल में आपको हमें ये फ्रेंच फ्राइज़ हमें फ्राई करना है। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। अब हम धीरे से अपना फ्रेंच फ्राइज़ इसमें छोड़ेंगे। इसे हमें फास्ट आंच पे, तेज़ आंच पे अच्छे से फ्राई करना है, पर ध्यान दें कि आप इसे पूरी तरीके से फ्राई ना करें क्योंकि हमको इसे डबल फ्राई करना होगा। आप सारे फ्रेंच फ्राइज पहले फर्स्ट फ्राई को ऐसे ही करके निकाल लीजिए, फिर हम सेकंड टाइम फिर से हमारा फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जब आपका फ्रेंच फ्राइज इस कलर का थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो आप इसे प्लेट में निकाल लीजिए और इसी तरीके से आप सारे फ्रेंच फ्राइज पहले इसी तरीके से आप फ्राई करके निकालिए। ज़्यादा उसको रेड नहीं करना है, वो सेकेंड जब हम उसको फ्राई में डालेंगे तब हम उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाल होने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट हमारे आलू को फ्राई करके रख लिया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे सेकेंड फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा इस तरीके से आप कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ऐसे कटोरी में लेके जितना ये आलू को कोट हो जाए उतना आप कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए। ये कॉर्नफ्लावर हमारे सेकेंड फ्राई को जब हम करेंगे तो फ्रेंच फ्राइज एकदम क्रिस्पी बन जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। मिक्स होने के बाद हम इसे अच्छे से वापस से फ्राई कर लेंगे। हमारा तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए और कुरकुरे होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आप इस कलर का जब हो आपको ऐसा लगेगा ये वाइट वाइट है, बट ये ऑलरेडी एक बार पक चुका है और हम इसे सेकेंड फ्राई कर रहे हैं। तो आप थोड़े टाइम के बाद इसे निकाल लीजिए और सेकेंड लॉट भी आप इसी तरीके से तल लीजिए। हमारा सेकेंड लॉट भी तल के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं पीछे हमारे तेल में वाइट परत जमी है, सफ़ेद परत, वो कॉर्नफ्लावर की। इसके लिए आप चाहिए तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सेकेंड फ्राई बिना कॉर्नफ्लावर के भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा कुरकुरा तलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार हो गया है। होममेड है, आप इसे बनाइए, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। एक बात और बता देती हूँ फ्रेंड्स, आजकल मैकडोनल्ड में आपने देखा एक नया फ्लेवर चला है, वो है पीरी पीरी। मैंने मार्केट से ऐसे एक डब्बा पीरी पीरी का लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा फ्रेंच फ्राइज है इसमें मैंने पीरी पीरी मिक्स किया है क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत ये फ्लेवर पसंद आ रहा है। और ये मेरा प्लेन वाला फ्रेंच फ्राइज है, आप देख सकते हैं दोनों तरीके के मैंने रखे। इसे जरूर बनाइए, सबको खिलाइए, एंजॉय कीजिए टेस्ट। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल बटन को दबाइएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।